मंदिर जाते समय चावल क्यों चढ़ाते हैं? अच्छी बात है, हमने और कोई द्रव क्यों नहीं चुनी? हम गेहूँ चढ़ा सकते थे, हम ज्वार चढ़ा सकते थे, हमने चावल ही चुना। चावल चुनने के पीछे हमारा उद्देश्य रहा। चावल सीधे सीधे नहीं उगते हैं, कभी उगते हैं चावल, धान उगती है और धान के ऊपर से पहले एक छिलका हटाना पड़ता है, फिर उसके बाद जो लालिमा है वो हटानी पड़ती है, तब एकदम वाइट, बहुत स्वच्छ, निर्मल और उज्जवल चावल प्राप्त होते हैं। वो इस बात के प्रतीक हैं, भगवान के सामने हम चढ़ाते हैं कि भगवान ऐसे ही मेरे आत्मा में चार घातिया कर्म जो छिलके की तरह लगे हैं वो उतर जाएंगे, और फिर लालिमा की तरह मेरे चार अघातिया कर्म जब उतर जाएंगे तब जाकर के मैं अपने उस उज्जवल स्वभाव को प्राप्त करूंगा। मैं चावल चढ़ा करके जैसे इन चावलों ने उज्जवलता प्राप्त की है वैसे ही मैं भी उज्जवलता प्राप्त करना चाहूँ। चावल को दोनों अंगड़ियों के बीच सीधा रख करके दबाएं, अंगड़ियों में दर्द होने लगेगा लेकिन टूटेगा नहीं। चावल अखंडता का प्रतीक है, ऐसे ही हम भी अपने अखंड पद को प्राप्त चाहते हैं, अक्षय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कभी एक बार मिलने के बाद फिर कभी छीने नहीं हमसे, कभी छूटे नहीं। और तीसरी चीज़, चावल को बोने पर उगता नहीं है चावल, धान बोने पर उगती है, चावल नहीं उगता। जैसे चावल नहीं उगता है ऐसे ही मैं भी अब संसार में बार बार जन्म और मरण नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने चावल चढ़ाए हैं। ऐसी तीन विशेषताएं चूंकि चावल की हैं इसलिए हमारे पुराने लोगों ने और चावल ही चुने हैं भगवान के सामने चढ़ाने के लिए, इसलिए हम लोग चावल चढ़ाते हैं। चावल चढ़ाते समय क्या भावना भानी चाहिए? यही भावना भानी चाहिए, हमारा जीवन उज्ज्वल बने, हमारा जीवन अखंड हो और हम जन्म मरण से पार हो जावें। यही विशेषताएं हैं तीनों।